हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में क्विक सेटिंग है तो क्विक सेटिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में क्विक सेटिंग है तो क्विक सेटिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हमारे फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ सर्च कर लेना है क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग तो यहाँ पर ओपन हो गई है, ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही यहाँ से अपने जो नोटिफिकेशन के जो होते हैं हमारे जो आइकन्स, उसको आप यहाँ से इस तरीके से शेप्स टाइप में चेंज कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कर दिया है राउंड टाइप में, तो हम इसको राउंड टाइप में कर लेते हैं और गोल टाइप में उसको बैक कर लेते हैं, हमारे फ़ोन में सेट हो जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेट हो चुके हैं सारे राउंड टाइप में। तो इस तरीके से आप क्विक सेटिंग को सेट कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको क्विक सेटिंग्स नहीं मिलती है तो आप फ़ोन की पर्सनलाइजेशन सेटिंग पर जाकर भी क्विक सेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना होगा। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन जाएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में क्विक सेटिंग है तो क्विक सेटिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आइकन शो हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर पर्सनलाइजेशन सेटिंग पे चले जाना है, जाते ही हमारे पास क्विक सेटिंग आ जाएगी जहाँ से आप क्विक सेटिंग को सेट कर सकते हैं स्क्वायर टाइप में या फिर इस तरीके से, या स्क्रील टाइप में या फिर विंडो टाइप में। तो हम विंडो टाइप में सेट करते हैं तो विंडो टाइप में सेट हो जाएगा, उस तरीके से शो करेगा। आप देखते हैं कि शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्विक सेटिंग को सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।